गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 के अंदर एक और तगड़ा झटका जो है जीएसटी पोर्टल आपको देने जा रहा है, जो कि एचएसएन से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा कि एचएसएन कोड को मेंशन करना मैंडेटरी किया गया था। अब यहाँ पे जीएसटीआर 1 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैंडेटरी मेंशनिंग ऑफ एचएसएन कोड इन GSTR1, यानी कि अब अगर आप GSTR1 में एचएसएन कोड मेंशन नहीं करेंगे तो आपकी GSTR1 फाइलिंग नहीं हो पाएगी। मैंडेटरी किया जा रहा है एचएसएन कोड को। अब यहां पर जब ये चीजें मैंडेटरी करी जा रही हैं, तो इसको एकदम से नहीं करके फेजेस में करेगा जीएसटी पोर्टल, जहां बताया गया है वैलिडेशन इन एचएसएन रिपोर्टिंग will be implemented in phases, यानी कि जो HSN का डेटा आप डालेंगे वो GST पोर्टल अब उसे वैलिडेट करेगा, लेकिन phased manner में। अब यहां सवाल ये पूछा गया कि my aggregate turnover on the PAN, अब यहां इसीलिए ये लिखा गया है कि aggregate turnover on PAN का मतलब कि एक PAN पे अगर multiple GSTN है, सबको add करके आपको अपना aggregate turnover check करना है, और इसके लिए जीएसटी पोर्टल में AATO का फंक्शनैलिटी जो है वो 31 मई तक के लिए खोल दिया गया है, जहां से आप अपना एक्चुअल टर्नओवर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो पोर्टल अपने हिसाब से जो एक्सट्रापोलेशन मेथड है उसको यूज करके आपका टर्नओवर डिटरमाइन कर लेगा, और हो सकता है वो टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला जाए और आप एचएसएन वैलिडेशन में फंस के रह जाए। तो इस चीज को आप AATO के थ्रू अपना टर्नओवर जो है वो जरूर एडजस्ट कर लीजिएगा एक्चुअल टर्नओवर के साथ। ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी टैक्स मैगजीन में AATO से संबंधित दी हैं। इस बार की मैगजीन में अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहां आगे बताया गया है कि अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो क्या आप रिक्वायर्ड हैं टू रिपोर्ट HSN इन टेबल 12 ऑफ GSTR1? तो क्या टेबल 12 जो है GSTR1 का, उसके अंदर HSN मेंशन करना मैंडेटरी है या नहीं? टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तब इन फेज 1 ऑफ HSN वैलिडेशन, पहले जो अभी होगा वो क्या होगा? मिनिमम 2 डिजिट HSN हैज टू बी रिपोर्टेड। कम से कम 2 डिजिट HSN आपको GSTR1 में रिपोर्ट करने हैं। वैलिड एंट्री फॉर HSN एंड डिस्क्रिप्शन इज सपोज्ड टू बी रिपोर्टेड एज पर द सिस्टम। आपको वैलिड एंट्री, वैलिड HSN कोड, वैलिड डिस्क्रिप्शन जो है वो सिस्टम में एंटर करना है। कॉशन मैसेज विल पॉप अप फॉर इनकरेक्ट HSN बट सिस्टम विल अलाउ टू फाइल GSTR1। अगर आपने HSN या डिस्क्रिप्शन डालने में गलती करी है तो सिस्टम अभी फिलहाल आपको एक पॉपअप मैसेज देगा कि ये गलत है, लेकिन आपको GSTR1 फाइल करने से रोकेगा नहीं। आप GSTR1 फाइल कर सकते हैं विथ रॉन्ग मैसेज कि आपका GSTR1 में जो HSN टेबल है वो सही नहीं। ये हो गया कि फेज 1 में HSN वैलिडेशन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है उसका किस तरीके से होगा, और अब यहां पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है, जो कि AATO के बेसिस पे जीएसटी पोर्टल डिसाइड करेगा, उसके लिए क्या रहने वाला है फेज 1 ऑफ HSN वैलिडेशन। यहां बताया गया है मिनिमम 4 डिजिट HSN हैज टू बी रिपोर्ट। एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि 5 करोड़ से कम वालों को 2 डिजिट, 5 करोड़ से ऊपर वालों को 4 डिजिट HSN जो है वो रिपोर्ट करना है। Valid HSN and description as per system is to be reported. यानी कि आपको valid HSN और description जो है वो देना है। यहाँ पर भी आपको एक caution message दिया जाएगा कि आपने जो GSTR1 में HSN के table भरी है वो सही नहीं है, लेकिन आप file कर सकते हैं। और ये implementation धीरे धीरे जो validation आपको red में करके दी जाएगी वो mandatory कर दी जाएगी, और उसके बाद आप गलत HSN के साथ file नहीं कर पाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये जो HSN कोड का जंजाल है क्या ये हर किसी के लिए है? तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ बताया गया है कि ये चीजें नोटिफिकेशन 78/2020 में मेंशन करी गई है, लेकिन जब नोटिफिकेशन 78/2020 पढ़ा जाएगा तो इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है तो आपको HSN
जो मेंटेन करना है वो 4 डिजिट है। अब यहां पर एक तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब नोटिफिकेशन 78/2020 में 5 करोड़ रुपए तक के लिए 4 डिजिट HSN मेंशन्ड है, तो इस चीज को किस बेसिस पे यहां पर 2 डिजिट HSN जो है रिपोर्टिंग की बात करी जाती है। तो यहां पर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है कि आपको HSN मेंटेन तो करना है 4, GSTR1 में आप 2 भी डाल सकते हैं एज पर दिस इंफॉर्मेशन जो कि GST पोर्टल की तरफ से शेयर किया जा रहा है। इसका एक ग्राउंड ये होता है कि यहां पर जो बातें बताई गई हैं, ये बताई गई हैं रूल 46 के अंदर, और रूल 46 के अंदर इनवॉइस की बात होती है, यहाँ GST रिटर्न की बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बताया गया है कि इनवॉइस में तो आपको 4 डिजिट मेंशन करना है, लेकिन GSTR1 में फाइल करते समय आप 2 डिजिट से काम चला सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ Phase 1 HSN वैलिडेशन। आगे इसमें लिखा गया है कि आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर तक है तो आपको इनवॉइस में तो 6 डिजिट डालना है, लेकिन GSTR1 में आप 4 डिजिट तक डाल करके भी काम चला सकते हैं। आगे इसमें ये लिखा गया है प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू ₹5 करोड़, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर AOTO के बेसिस पे मे नॉट मेंशन द नंबर ऑफ HSN कोड एज स्पेसिफाइड इन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री इन कॉलम 3 ऑफ द सेड टेबल इन अ टैक्स इनवॉइस इशूड बाय हिम टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को माल बेचते हैं और आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है तो आपको HSN कोड डालने की जरूरत नहीं है इनवॉइस के अंदर, लेकिन इस ट्वीट मैसेज में ऐसा कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो 2 डिजिट है ये 2 डिजिट कोड रजिस्टर्ड के लिए भी है या अनरजिस्टर्ड के लिए भी मेंशनड है। नोटिफिकेशन इनवॉइस के लिए तो कहता है कि अनरजिस्टर्ड के लिए नहीं। अगर पूरी तरीके से नोटिफिकेशन को माने तो फिर वहां पर 4 डिजिट क्यों ना माने, और नोटिफिकेशन को ना माने तो इस ट्वीट मैसेज को अगर मानते हैं तो फिर यहां पर आपको अनरजिस्टर्ड के लिए भी 2 डिजिट HSN कोड जो है वो मेंशन करना पड़ेगा एज पर द इंफॉर्मेशन जो पोर्टल पे अवेलेबल है, जो इनके ट्विटर हैंडल पे अवेलेबल है। तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन, काफी ज्यादा प्रॉब्लम जो है आने वाले समय में आपको GSTR1 की फाइलिंग में देखने को मिलने वाली है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि GSTR1 में जो ये HSN वैलिडेशन है इसका क्या रोल है और ये किस तरीके से आपको अब फॉलो करना है। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें GST प्लेटफॉर्म YouTube चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।